हाँ मैं अनवर बेसिकली ये एक जो प्रोटैगनिस्ट है किरदार का नाम है. इट्स नॉट नेसेसरी इट हैज़ टू बी अ टोटली टाइप कास्टेड एट कमर्शियल सिनेमा. दिस ट्रेंड इज़ न्यू सिनेमा, डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट बीइंग डेल्ड. तो आई लाइक इट वेरी मच. और मनीष की फिल्म्स बहुत ही अलग किस्म की होती ही है और हमेशा जो भी वो उन्होंने किया है एक मार्क छोड़ जाए कि ये इट्स वंस अगेन वन ऑफ द स्टोरीज दैट इज़ गोइंग टू सॉर्ट ऑफ लिंगर ऑन इन ऑडियंसेस माइंड्स एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड व्हेन आई हर्ड द स्टोरी एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई हैव डन इट. कुछ लोग तो लकीली जिनको मैंने सोचा था स्क्रिप्ट लिखते वक्त वो लोग अवेलेबल थे, कुछ लोग नहीं थे तो उनका बैकअप ढूंढना पड़ा. बट एट द एंड व्हेन द फिल्म स्टार्टेड द शूट आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरे को अगर किसी कैरेक्टर के लिए राजपाल चाहिए थे तो मुझे राजपाल मिले, मेरे को अगर विजय राज चाहिए थे तो विजय राज मिले, मनीषा कोइराला चाहिए थी मनीषा कोइराला मिली. तो ओवरऑल मुझे आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट एक्चुअली. मेरा कैरेक्टर है इट्स ही इज़ अ वेरी सिंपल बॉय हु इज स्टडीइंग हिंदी लिटरेचर और जो आम लखनऊ के बंदे होते हैं, बॉयज़ होते हैं, यंग मैन होते हैं, वही है. सारे कैरेक्टर है ना उनका इस फिल्म में काफ़ी लेयर्स हैं. वन ऑफ द लेयर्स की सारे जो किरदार हैं, सारे कैरेक्टर्स हैं जो प्ले कर रहे हैं उसमें उनके लाइफ में प्यार की कमी रहती है. एक तो दैट इज़ अ मेन कॉमन थीम विच इज़ गोइंग ऑन. सो मेरे भी पर्सनालिटी में देयर इज़ अ पर्सनल प्रॉब्लम जो हो रही है, लेकिन वो एकदम थरा प्रोफेशनल रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट है. सो अपने दुख को यू नो शी फॉरगेट्स इट एंड शी कॉन्सेंट्रेट्स ऑन हर वर्क. लव को ढूंढ रहे हैं, प्यार को ढूंढ रहे हैं और द मैसेज इज़ ऑल्सो ऑफ लव. एवरीवन इन द फिल्म इज़ लुकिंग फॉर लव, चाहे वो अनवर हो या तो मेहरू हो या तो अलग अलग कैरेक्टर्स भी है फिल्म के अंदर. अल्टीमेटली लव इज़ देयर सॉर्ट ऑफ कॉमन गोल और हाउ एवरी कैरेक्टर की अलग स्टोरी जाती है एंड अल्टीमेटली यू रियलाइज व्हाट लव मीन्स टू ईच ऑफ देम. दैट्स मोर और लेस व्हाट अनवर इज़ ऑल अबाउट.